साथियों, भविष्य का हमारा रास्ता और मंजिल दोनों स्पष्ट है। आत्मनिर्भर भारत हमारा रास्ता भी है और हमारा संकल्प भी है, और ये किसी सरकार का नहीं, 130 करोड़ देशवासियों का है। बीते सालों में हमने इसके लिए हर जरूरी कदम उठाए, माहौल को सकारात्मक बनाने के लिए निरंतर परिश्रम किया है। देश में बन रहे सही वातावरण का सदुपयोग कर संकल्पों की सिद्धि की कमान अब आप जैसे मेरे साथियों पर है, जीतों के सदस्यों पर है। आप जहां भी जाएं, जिससे भी मिले, आपके दिन के आधा समय आने वाले कल की चर्चा करने के स्वभाव के लोग हैं। आप बीते हुए परिस्थितियों पर रोक करके बैठने वाले लोग आप नहीं हैं, आप भविष्य की तरफ देखने वाले लोगों में से हैं। और मैं आप लोगों के बीच में पला पड़ा हूं तो मुझे मालूम है कि आप लोगों का नेचर क्या है, और इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप जैसे और खास करके मेरे युवा जैन समाज एंटरप्रेन्योर है, इनोवेटर है, आपकी जिम्मेवारी जरा ज्यादा है। आजादी के इस अमृत महोत्सव में जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था के रूप में भी, और आप सभी सदस्यों से देश को अपेक्षाएं होना बहुत स्वाभाविक है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, और छोटे मोटे वेलफेयर के संस्थान हो, जैन समाज ने बेस्ट इंस्टीट्यूशंस, बेस्ट प्रैक्टिसेस और बेस्ट सर्विसेज को हमेशा एनकरेज किया है, और आज भी समाज की आपसे अपेक्षा रहना बहुत स्वाभाविक है। और मेरी तो आपसे विशेष अपेक्षा है कि आप स्थानीय उत्पादों पर बल दें, वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ आगे बढ़ते हुए आप सभी एक्सपोर्ट के लिए नए डेस्टिनेशन भी तलाशें और अपने क्षेत्र के स्थानीय उद्यमियों को उनके प्रति जागरूक भी करें। स्थानीय उत्पादों की क्वालिटी और पर्यावरण पर उसके कम से कम प्रभाव के लिए हमें जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट को आधार बनाकर काम करना है।